नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टीवी पर वक्त हो गया है देश दुनिया की कुछ खास जानकारियों का। और इसी के साथ आप सबकी दोस्त मैं अंशु कुमार एक बार फिर से मुखातिब हो रही हूँ आपसे देश डायरी के साथ। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं आपसे जुड़ी खबरें जो आपके जीवन से सरोकार रखती है। तो फिर देर किस बात की, बिना एक मिनट जाया किए आइए पलटते हैं देश डायरी के इन पन्नों को और जानते हैं कि इन पन्नों में आज क्या है खास। आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे उपग्रह के बारे में, जो फसल की पैदावार के सही आंकड़े जुटाएगा। जानेंगे कि इफ्को ने अपने सदस्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए कौन सी पहल की है। बताएंगे इफ्को के अब तक के सफर और आगे की योजनाओं के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अमल में फसलों के नुकसान की तत्काल जानकारी देना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि कृषि की पैदावार की सही जानकारी उपग्रह से मिलेगी। जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान से गंभीर चुनौतियों को सरल बनाने में काफी सहायता भी मिलेगी। अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे उपग्रह जहां खेतों में खड़ी फसल की पैदावार के सटीक आंकड़े जुटा लेंगे, वहीं खेतों की मिट्टी को भी आसानी से जांच लेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तकनीक से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यों की जियो टैगिंग का शुभारंभ करने के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बताया कि पारदर्शिता के क्षेत्र में ये पहल अहम है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने ये भी बताया कि मिट्टी के जांच में जहां भारी धनराशि खर्च होती है, वहीं लंबा समय भी लगता है, लेकिन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से मिट्टी के नमूने जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना को अंतरिक्ष विज्ञान विभाग महाराष्ट्र के कुछ जिलों में प्रयोग के तौर पर चला रहा है, जो यहाँ के लिए सही साबित हुई है। केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम में सहयोगी बनते हुए इफ्को ने अपने सदस्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए इफ्को ई बाजार नाम का पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। ये जानकारी 9 अप्रैल को हरियाणा के रेवाड़ी में इफ्को के स्वर्ण जयंती समारोह में इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी ने दी। खाद बीज बीमा जैसी खेती की बुनियादी जरूरतों से किसानों को जोड़ने के बाद अब इफ्को ने अपने लगभग 4 करोड़ से अधिक सदस्य किसानों को स्मार्ट किसान बनाने का बीड़ा उठाया है। इफ्को इस साल पूरे देश में घूम घूम कर स्वर्ण जयंती समारोह मना रही है और इसी सिलसिले में अब की बार थी हरियाणा के रेवाड़ी की। रेवाड़ी के किसान सदस्यों से बात करते हुए इफ्को के प्रबंध निदेशक ने कहा कि आज डिजिटल होना किसान की जरूरत है और किसान को इसे सीखना ही होगा। वो पीढ़ी देखिए, डिजिटल व्यवस्था से ही देश चलेगा, दुनिया चलेगी। ये पुरानी व्यवस्था गई, बही खाते की व्यवस्था गई, अपनी यहां रख के चलने की, बाजू में अपनी किताब रख के चलने की व्यवस्था गई। अब सब व्यवस्था डिजिटल व्यवस्था से है, उसी में सारा सारा काम आने वाला है। फर्टिलाइजर का भी वैसे ही होने वाला है, DBT डायरेक्ट बेनिफिट। अभी तो हम लोगों के माध्यम से आपको, जब आप वहाँ अंगूठा लगाओगे मशीन पे और आपका नाम आएगा तो आपको खाद मिलेगी, तब हमको पैसा मिलेगा, जो डिफरेंस का है। इफ्को के डिजिटल प्लेटफॉर्म इफ्को बाजार के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसानों को सामान खरीदने के साथ साथ अगर अपना कोई उत्पाद बेचना भी है तो भी ये किसानों के लिए मददगार साबित होगा। हमने शुरू किया भारतीय सहकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो क्या है? इस व्यवस्था में आपको इफ्को की हर जानकारी मिलेगी, आपको खेती के बारे में सारा का सारा ज्ञान मिलेगा। जितने भी हमारे एक्सपर्ट है, मान ली हम रेवाड़ी में आए, रेवाड़ी जो एक्सपर्ट है वो सब वहाँ आ जाएगा। कि आपको एक दूसरे से खरीद फरोख्त करनी है, मान ली आपके पास कोई चीज है जो आप बेचना चाहते, वो चीज़ भी यहाँ डाल सकते हैं। उसको खरीदने के लिए कोई केरल का आदमी है मान लो खरीदना चाहता है, तो वहाँ से आपको, आपसे संपर्क करेगा। उसके बाद मलय भाषा है, मलयाली है, आपके पास हिंदी है, वो आपकी हिंदी की भाषा मलयाली भाषा में उसमें पढ़ लेगा, आपको मलयाली में लिख के आप हिंदी में पढ़ लोगे,
और आपस में भाव तय कर सकते हो। देखिए अभी जो हमारा कारवां शुरू हुआ था वो उर्वरक उत्पादन और सहकारिता क्षेत्र के विपणन से शुरू हुआ था। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने किसानों की जैसे जैसे आवश्यकता होती रही, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती रहीं, एक एक करके 16 सह संस्थाएँ सब्सिडीज इंस्टीट्यूशंस की गठन किया, और अभी आगे भी इस तरीके की कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे किसान की सेवा करने में। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का तरीका किसानों को मंच पर बुला उन्हीं से कराया गया। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे इफको के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी से। हम तकरीबन 5% ग्रॉस प्रॉफिट का, कम से कम 5% फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम में देते हैं। स्वागत है आपका देश डायरी में, और आप बढ़ते हैं अपनी अगली जानकारी की तरफ जो है सहकारी क्षेत्र में किसानों की। देश की सबसे बड़ी कंपनी इफको अब बायो फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भी किसानों को जागरूक कर रही है। अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में इफको ने किसानों को नीम के पेड़ देने और किसानों से निम्बोली खरीद कर जैविक खाद बनाने की खास योजना शुरू की है। रेवाड़ी के समारोह में कंपनी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी ने ग्रीन टीवी के साथ एक खास बातचीत में इफको के अब तक के सफर और आगे की योजनाओं के बारे में बात की। देखिए इफको ने जो भी आज कुछ है ना, वो 425 करोड़ इक्विटी से सहसरा हमने बनाया है। पिछले 15 साल से 20% हम डिविडेंड देते आ रहे हैं। इस वर्ष हमारी एजीएम में प्रस्ताव है 16 वर्ष भी मैक्सिमम डिविडेंड परमिसिबल है, वो हम देने जा रहे हैं। दूसरा साथ में साथ हम तकरीबन 5% ग्रॉस प्रॉफिट का, कम से कम 5% फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम में देते हैं। हम सहकारी संस्थाओं को यदि कोई असुविधा हुई तो उसके बारे में देते हैं। इफको किसान सेवा ट्रस्ट है जिसमें हम मेडिकल सुविधाएं देते हैं और आपदा में उसमें मदद करते हैं। हमारा और भी जो योजना है जैसे IFFDC है, उसमें हम बहुत अच्छा बीज उत्पादन करते हैं। हम ये सुनिश्चित करते हैं अच्छा उत्पाद उनको मिले, अच्छा हमारा क्वालिटी का फर्टिलाइज़र होना चाहिए और सबसे कम दाम में उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से किसान हमसे जुड़े रहे। हम बढ़ गए, 5 लाख रुपए की इक्विटी से हमने शुरू किया था, 57 हमारे मेंबर थे 50 साल पहले, आज हम तकरीबन 35,000 के ऊपर हमारे मेंबर हैं, 36,000 के आसपास हम हैं, और हम लगातार इसमें मेंबरों को बढ़ा रहे हैं, अपने से जोड़ रहे हैं और साथ ही साथ उनकी आर्थिक अवस्था को भी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। गांव के आदमी को ठीक से इंश्योरेंस नहीं मिलता, तो हमने इफको तोक्यो शुरू किया, उसमें संकटहरण बीमा योजना लाए कि 4,000 के बैग में एक बैग यूरिया जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है तो 4,000 का उसका इंश्योरेंस हो जाता है, मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक का उसका इंश्योरेंस रहता है। उसके लिए उसको कुछ प्रीमियम नहीं देना है, खाली जो रसीद है वही उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। इससे हमने बहुत लोगों को मदद की और बहुत से हमारे प्रोडक्ट हैं इफको तोक्यो में। इफको MCM लाए जो हमने देखा कि जो हम एग्रोकेमिकल्स हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, उनको गलत एग्रोकेमिकल जा रहा है, वो हम लाए, नए नए प्रोडक्ट लाए, सगरिका लाए, बायोफर्टिलाइजर लाए। तो इस हमने बहुत सारी रिसर्च की है। हम बीज उत्पादन हमने शुरू किया, आज तकरीबन 4,00,000 क्विंटल हम बीज उत्पादन करते हैं, इस बार हम और बढ़ाने वाले हैं, और बीज भी हम उत्पादन कराते हैं, बहुत सा बीज अपने किसानों से कराते हैं, तो हम लगातार उनसे जुड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि किसान को यूरिया का कम इस्तेमाल करना चाहिए, यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसके लिए हम बहुत अच्छा बायोफर्टिलाइजर लाए। जो हमारा बायोफर्टिलाइजर है उसमें 7,50,00,000 कीटाणु हैं, खाली 250 cc में, और उसको जब वो गोबर की खाद में मिला के डालता है तो मान लीजिए 60 किलो होगा तो कितने असंख्य कीटाणु जाते हैं, जीवाणु हो जाते हैं, वो जीवाणु उसको स्वस्थ करेंगे। एक हम लोग ये लाए, फिर हम लोग सागरिका लाए। सागरिका जो है वो समुद्र से द्वारा लाया हुआ ऑर्गेनिक है, उससे जो फसल है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में उसको सपोर्ट मिलता है, अमीनो एसिड्स हैं, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो समुद्र पाए जाते हैं वो उसको प्राप्त हो जाते हैं, तो भूमि की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है और इसके कारण बहुत अच्छा उत्पादन होता है। और कहीं कहीं पे तो उन्होंने बताया 100% हमारा उत्पादन बढ़ गया, किसी ने बताया 50%, मैं समझता हूँ कम से कम 10% उत्पादन बढ़ेगा
और कम से कम 90 रुपए का उसको फ़ायदा होगा, ताकि कम से कम मुझे उसमें एक ही प्रार्थना है कि एक बैग यूरिया का उनको कम डालना चाहिए पर एकड़। किसान वो व्यक्ति जो शायद हमारी ज़रूरतों का ख्याल हमसे ज़्यादा ही रखता है। हम भूखे ना सोए इसलिए कितनी ही बार वो खुद भूखा सोया होगा। जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, ठीक वैसे ही किसान खुद से जुड़े हर उस व्यक्ति का ख्याल रखता है, फिर चाहे वो उसे जानता हो या ना जानता हो। लेकिन उसके लिए हम सब उसकी जिम्मेदारी है, जिन तक उसे अनाज पहुँचाकर अपना फ़र्ज पूरा करना है। जहां एक ओर किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, वहीं इफ़को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी ने एक मुहिम शुरू की है देश भर में किसानों से मिलने की और अपने रिश्ते उनसे और भी ज़्यादा मजबूत करने की। किसान और किसान की ज़रूरतें, यही मकसद था किसानों की इस सहकारी कंपनी इफ़को की स्थापना का। और पिछले 50 सालों में जैसे जैसे किसानों की ज़रूरतें बढ़ती या बदलती गई, इफ़को भी अपने कामकाज का विस्तार करती गई और किसानों को सम्मानित भी करती गई। हम जो क्षेत्र के 10 कोऑपरेटर हैं उन्हें भी सम्मानित करेंगे, 10 जो प्रगतिशील कृषक हैं जिनका विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। ये हमारे MD साहब की इच्छा थी कि भाई हम अपने जो भी हमारे मेंबर हैं किसान हैं हम सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलें, और इसमें हमारी जो दूसरी इफ़को की सब्सिडीज कंपनी है वो सब यहाँ पर आ रही हैं, क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या क्या सुविधा हम किसानों को दे रहे हैं उसके बारे में पूरी चर्चा होगी। और इसी के साथ साथ जो हमने यहाँ जहाँ स्टेट के अंदर हमारा मेन काम क्या है कि किसानों को उच्च क्वालिटी का उर्वरक उपलब्ध कराना, कृषि रसायन उपलब्ध कराना। इंटरनेट और मोबाइल ने जब दुनिया को संचार क्रांति की दहलीज पर खड़ा किया तो इफ़को ने किसानों के साथ सीधे जुड़ने के लिए इफ़को संचार की शुरुआत की और एयरटेल और स्टार ग्लोबल रिसोर्सेज के साथ हाथ मिलाया। इफ़को ने इफ़को किसान ऐप की शुरुआत की दिसंबर 2016 में, जिसे किसान अपने एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करके 10 अलग अलग भाषाओं में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इफ़को किसान संचार इफ़को की एक यूनिट है जो किसानों को कृषि संबंधी, मौसम संबंधी, पशु संबंधी और मौसम संबंधी और मंडियों के रेट और कोई नया यदि सीड आया है, यदि कोई जानकारी आई है, कोई अलर्ट आया है उसके बारे में हम जो है ये फ्री जानकारियां 3 से 4 किसानों को ये प्रतिदिन देते हैं। हर एक सप्ताह में एक बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, जो हमारे डॉक्टर श्रोत्री हैं, डॉक्टर नजिंद्रा हैं जो हेड हैं, और दिल्ली में हमारे CEO साहब हैं मिस्टर मल्होत्रा हैं, ये सारे मीटिंग करते हैं, उसके अंदर सारी फीडबैक लेते हैं और उसके ऊपर जहाँ जहाँ जिस स्टेट के अंदर जो जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो इम्प्रूवमेंट जो है लागू की जाती है। जो खूबियाँ हैं उसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं मौसम इसमें दिखाई दे रहा है, पहले मौसम के बारे में इसमें आप जानकारी 5 दिनों की ले सकते हैं। अगले आने वाले 5 दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा वो किसान भाई एक क्लिप के माध्यम से अगले 5 दिनों की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा साथ में आपको मंडी भाव दिखाई दे रहा है, मंडी भाव में किसान भाई 5 ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने आसपास के एरिया में जो 5 मुख्य मंडियाँ हैं उसके भाव जान सकते हैं। ठीक है, वो हम जो भाव है वो एग्री मार्केट है जो उसके माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, और एक NCDX है जिसमें फ्यूचर के जो आने वाले भविष्य के जो भाव होते हैं वो होते हैं। तो दोनों तरह की जानकारी इस मंडी भाव में NCDX या एग्री मार्केट से पता कर सकते हैं। तीसरा आपका सेक्शन है विशेषज्ञ से पूछें, इसमें किसान भाई जो भी उनके खेतों में समस्याएं आ रही है उसके बारे में वो विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई किसान भाई लिख के नहीं ले सकता है तो वो सिंपल अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके या फिर उस जो समस्या आ रही है उसका सीधा फ़ोटो खींच करके हमें भेज सकता है। हमारे विशेषज्ञ इसका जो सोल्यूशन है, निदान जो है वो 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करा देते हैं अमूमन। ठीक है, इसके बाद कृषि लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी जैसे हरियाणा, अभी हम हरियाणा में प्रोग्राम हो रहा है तो हरियाणा राज्य में जितनी भी फसलें हैं क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से जिस जिला में जिस जगह पे जो जो फसलें उगाई जाती हैं उसकी सारी जानकारी इस एग्री लाइब्रेरी के अंदर मिलती है। इफ़को जो भारत का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक है, उसने वैश्विक तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जापान की कंपनी मित्सुबिशी के साथ संयुक्त उद्यम करके इफ़को MC की शुरुआत लगभग 1.5 साल पहले की थी। कंपनी एग्रोकेमिकल का उत्पाद कर उन्हें उचित दामों पर किसानों को मुहैया कराती है। इसके अलावा ये कंपनी किसानों की तकनीकी जरूरतों का भी ध्यान रखती है।
इसमें गुणवत्ता का ध्यान रखते समय सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हम कच्चा माल लेते हैं वो किसी ऐसी छोटी मोटी कंपनी से नहीं लेते, हम बहुत अच्छे रिप्यूटेड जो सप्लायर्स हैं उन्हीं से कच्चा माल लेते हैं और जब प्रोडक्ट हमारा बनता है उसका लगातार क्वालिटी टेस्टिंग होता है। अगर वो कच्चा माल फैक्ट्री में आने के पहले टेस्ट किया जाता है और अगर वो पास होता है तभी उस ट्रक को अंदर लिया जाता है, वरना उसको कच्चे माल को अंदर ही नहीं लिया जाता फैक्ट्री के। उसके बाद जब उत्पाद पूरा बन जाता है उसके बाद भी उसकी टेस्टिंग होती है और वो बैच जब क्लियर होता है उसके बाद ही वो रिलीज़ किया जाता है आगे फील्ड में भेजने के लिए। किसानों की एक ज़रूरत बीमा सुविधा की थी जो इफ़्को ने जापानी कंपनी के साथ हाथ मिलाया और फिर इफ़्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की स्थापना हुई। इसका मुख्य मकसद किसानों को हर तरह की बीमा सुविधा उपलब्ध कराना है। इफ़्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इफ़्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड एवं जापान की टोक्यो मरीन निशिदो फायर ग्रुप का संयुक्त उपक्रम है। ये साधारण बीमा कंपनी है जिसके अंदर सभी तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि घर का बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स हैं। इफ़्को किसानों के उत्पाद के साथ ही किसानों के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखता है। इसकी एक गतिविधि ग्रामीण हेल्थ केयर भी है जिसमें समय समय पर गांवों में कैंप लगाते हैं और किसानों की सेहत का भी ध्यान रखते हैं। अभी लास्ट ईयर से हम लोग ग्रामीण हेल्थ केयर इफ़्को के कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ किसानों की हेल्थ केयर के रिगार्डिंग। जहाँ जहाँ इफ़्को बाज़ार है वहाँ वहाँ ग्रामीण हेल्थ केयर का ट्रेंड स्टाफ है और जो हमारी जो सर्विसेज रहती हैं कि उनके हेल्थ केयर के रिगार्डिंग जो बेसिक प्रोसेस रहता है वो ये है कि जैसे कोई भी नर्स हमारे इफ़्को बाज़ार में बैठी हुई है वो किसान का पूरा हिस्ट्री लेती है, उस हिस्ट्री को वो इलेक्ट्रिकल मीडियम से जैसे इंटरनेट के द्वारा हमारे जो कंसल्टेंट्स सुपर स्पेशलिस्ट हमारे हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं उनको भेजती है। तो जो डॉक्टर्स हैं वो स्पेशलिस्ट हैं वो किसान को ऑनलाइन कॉल करते हैं, उनका पूरा ब्यौरा पूछते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर अपने नॉलेज के बेसिस पे उनको पूरा ट्रीटमेंट मेल के द्वारा विद इन 10 मिनट्स नर्स को भेज देते हैं और किसान चाहे कहीं से भी अपनी मेडिसिन वो ले सकता है। इफ़्को ने पिछले 50 साल के दौरान किसान के जीवन से जुड़ी हर जरूरत को छूने की कोशिश की है, शायद इसीलिए आज देश का हर किसान इफ़्को का नाम आते ही इस कंपनी से अपना एक रिश्ता बना लेता है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि इफ़्को का मतलब है भारत की खुशहाल खेती। फिलहाल दोस्तों रुकते हैं यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे इफ़्को से जुड़ी कुछ और जानकारियों के बारे में। यूरिया से शुरू कर इफ़्को किसानों की अलग अलग जरूरतें पूरी करने की मुहिम में जुटती गई और इन सब का फायदा देश के किसानों को हुआ। स्वागत है आपका देश डायरी में। दोस्तों इफ़्को ने पिछले 50 सालों के दौरान जिस तरह से यूरिया से शुरू कर देश के किसानों के लिए बीज, बीमा, सूचना, स्वास्थ्य जैसी ज़रूरतों को पूरा करने में अपनी गतिविधियां फैलाई है, उनको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इफ़्को और भारतीय किसान एक दूसरे की पहचान बन चुके हैं और इफ़्को के स्वर्ण जयंती समारोह में किसानों की उमड़ती हुई भीड़ इसे सच साबित करने के लिए काफ़ी है। इफ़्को मतलब भारतीय किसानों की अपनी कंपनी। इफ़्को मतलब किसानों की 36,000 समितियों का सहकारी आंदोलन। इफ़्को मतलब 4 करोड़ से ज्यादा किसान। पिछले 50 सालों में किसानों के बीच लगातार काम करते हुए इफ़्को ने अपना ये मुकाम हासिल किया है। यूरिया से शुरू कर इफ़्को किसानों की अलग अलग जरूरतें पूरी करने की मुहिम में जुटती गई और इन सब का फायदा देश के किसानों को हुआ। खेती में अच्छा काम करने वाले किसानों को इनाम दे करके भी इफ़्को ने किसानों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। रेवाड़ी के कुछ प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। इन किसानों में किसी ने आलू का दुगना उत्पादन किया तो कोई इफ़्को की इस कामयाबी का खुद गवा रहा है। उत्पादन में एक एकड़ में इतनी अच्छी फसल दिखाई दे रही थी तो उसमें किसानों की शर्त लग गई, मैं खेत में ही बर्फी मंगवाई। एक कह रहा था 10 मन है, दूसरा बोला नहीं होगी 10 मन। ये मैं लगभग अंदाजा बता रहा हूँ, मेरी छोटी उम्र थी।
पिताजी साथ खेत में गए जब, और पहले शौक भी होता है भाई कितनी जैसे ये फसल तगड़ी, उसके अंदर वो 7 मणि निकली और आज वही खेत है बदलाव का कि उसके अंदर 26 मण से भी अभाव हो चुकी और 30 मण से भी अभाव हो चुकी। वो मौसम के ऊपर है, कई बार 14-15 मण तो हो ही जाती है। एक तो ये बदलाव, कहाँ तो 7 मण और कहाँ 30 मण 4। इसे रहा विशेष तौर से मैं इसको कहूँगा कि फर्टिलाइजर में, बीज में जो बदलाव आए हैं, अब सरसों में तो विशेष तौर से बीज में बहुत बदलाव आया है। ऐसे ही एक किसान हैं शमशेर सिंह। शमशेर ने एक क्रांतिकारी पहल की, उन्होंने अपने 12 एकड़ खेत में ड्रिप इरिगेशन तकनीक को अपनाया, जिसके कारण पानी की काफी बचत होती है। न सिर्फ पानी की बल्कि खाद भी कम इस्तेमाल होता है। खास बात यह है कि इनके काम को देखकर दूसरे किसान भी ऐसे ही रास्ते अपनाने लगे। मैंने ड्रिप लगा रखी है, मेरे पास 12-13 एकड़ जमीन है, सारी में ड्रिप लगा रखी है। पानी की बचत है, खाद की बचत है, उसमें नड़ाई गुड़ाई की बचत है। पहले जैसे हम खुले पानी में खेती करते थे, उसमें पानी भी ज़्यादा वेस्ट होता था, और पहले हम मोटी फसल करते थे खेती, ये गेहूँ की बाजरे की। अब हमने सब्जी की खेती शुरू करी है, तो उससे उसमें अच्छा फायदा मिला। हम तो यही कहेंगे भाई ड्रिप से इरिगेशन लगाओ और सब्जियां करो। हमारे इलाके में मीठे पानी है, यहाँ तो रेवाड़ी हल्के में खारी पानी में सब्जियां नहीं होती। आज की दुनिया टेक्नोलॉजी पर निर्भर होती जा रही है, और इफ्को को भी अंदाजा है कि आज की दुनिया में किसानों को खुद को बदलने की जरूरत है। डिजिटल इंडिया के सपने की तरफ बढ़ते देश में स्मार्ट फार्मिंग की आवश्यकता है, और इसमें किसानों ने इफ्को की पहल को निराश नहीं किया। पेशे से शिक्षक, किसान और एक भूतपूर्व सैनिक भी हैं महेश। महेश ने साबित कर दिया कि स्मार्ट तरीके से ही खेती में मुनाफा कमाया जा सकता है। इफ्को किसानों के लिए लेके आ रही है, उसमें सबसे अच्छा प्रोग्राम लगा डिजिटल इंडिया के बारे में। जो डिजिटल पोर्टल बनाया है, उसमें किसान अपने घर बैठे बैठे डिमांड डाल सकते हैं और उनको सामान उनके घर पे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी पहल है, और साथ में और काफ़ी स्कीमें हैं, जैसे कॉल सेंटर, किसान हेल्प सेंटर्स बता रहे हैं कि हम लोग डायरेक्टली किसानों की मदद कर रहे हैं। लोगों को मैं जो डिजिटल इंडिया की बात चल रही है उसके बारे में उनको मैं मार्गदर्शन करूँगा, कैशलेस के बारे में मार्गदर्शन करूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस में आएँ, डिजिटलाइजेशन का प्रयोग करें, और अपने सामान को कैसे हम पूरे इंडिया के मार्केट में बेच सकते हैं। ये इन्होंने बताया कि आप अपने मार्केट अपने आइटम्स को पोर्टल पर डाल दें, आपकी आपसे जो किसान या दूसरी जो एजेंसी जो खरीदना चाहती है वो आपके कॉन्टैक्ट में आएगी और आप उस पर रेट तय कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है किसानों के लिए, और मैं चाहता हूँ कि किसान इसमें आगे बढ़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। अपने देश के किसान इफ्को से केवल फ़ायदा ही नहीं उठाते, बल्कि बहुत सी ज़मीनी ज़रूरतों के बारे में अपने अनुभव भी साझा करते हैं। एक उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, अगर उस तरफ इफ्को ने ध्यान दे लिया तो ये भी एक क्रांतिकारी कदम होगा। क्योंकि ग्राउंड स्तर पर मैंने देखा है, जैसे हमारे यहाँ अधिकतर सरसों पैदा होती है, तो सरसों के अंदर उसका जो वेस्टेज होता है, हम भूसी बोलते हैं जमींदारू भाषा में, ये भट्टे वगैरह अब तो जैसे सेल होने लग गई लोग बाग लोभ में, और उसको अगर फैलाए तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है यूटिलाइज के लिए। एक एकड़ की वो फैलेगी भी लगभग 2 कनाल में 2.5 कनाल में सही तरीके से, और जहाँ पे उसके अवशेष हम सरसों निकालते हैं, उससे अवशेष जहाँ बचे हुए हो गए उसके अंदर अलग ही पौधा दिखाई देता है, बोते हैं। और ये हमने तजर्बा किया है कि उसी खेत में आधे से ज़्यादा, जैसे पहले गोबर की खाद का बहुत बढ़िया वो होता है, और उसकी बजाय उससे कहीं ज़्यादा पता नहीं क्या होता है इसके अंदर, जो सरसों के अवशेष होते हैं जिसे भूसी बोलते हैं डाल दो, वो गोबर की खाद से भी कहीं अधिक उत्पादन देगा 2-3 साल तक। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखिए, जैसे पानी को रिचार्ज करने में खेत में जो उसको, तो जिस तरह ये जैविक खाद में जीवाणु उसको नरम करते हैं, खोखला बनाते हैं उत्पादन के लिए, उससे कहीं अधिक ये जो सरसों के बचे हुए वेस्टेज है, तो आज क्या हो रहा है कि उसको जैसे भट्टे पे टीटों के उत्पादन के लिए हर जगह खेतों में से जो एक उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का बहुत बढ़िया एक साधन है वो। इफ्को के इस सुनहरे सफर की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है
इससे जुड़े किसान आज खुद दूसरों को खेती करने के सुझाव भी दे रहे हैं। हरित क्रांति के समय से शुरू हुए सहकारी आंदोलनों में से एक इफको का सफर बिना रुके, बिना झुके और बिना मुड़े आज भी चल रहा है। आज इफको एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वो भारतीय कृषि की पहचान बन गया है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कुछ और जानकारियों और खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे इसी समय, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ग्रीन टीवी आपके लिए लेकर आता रहेगा कुछ ना कुछ खास। और अब आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।